हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब होता है बच्चों कपड़े, वस्त्र। ठीक है, इसमें बच्चों कहानी है दो दोस्तों के बारे में। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं जो बहुत दिनों बाद मिलते हैं और मिलकर बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो इस कहानी में आगे क्या क्या होता है, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है ये हम कहानी के अंत में सीखेंगे। आप भी बच्चों बहुत दिनों बाद जब अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत चीज़ें अपने बारे में बताते हैं मित्रों को, और उनके बारे में आप जानते हैं। इस कहानी में बच्चों दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है नसरुद्दीन और दूसरे दोस्त का नाम होता है जमाल साहब। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे शुरू करते हैं। आइए, एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। क्या नाम है दो दोस्तों का बच्चों? नसरुद्दीन और जमाल साहब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप, गपशप का अर्थ है बच्चों बातचीत, गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी का अर्थ है बच्चों साधारण सी, कि जो उनके दोस्त नसरुद्दीन ने कपड़े पहने थे वो बहुत सुंदर से थे और जो जमाल साहब ने पहने थे वो थोड़े साधारण से थे। पोशाक में कपड़े या वस्त्र, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इतने सिंपल से साधारण से कपड़ों में दूसरों से कैसे मिलूँगा, तो मैं नहीं मिल सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब बहुत सुंदर चटक मटक, जिसमें खूब सितारों से कढ़ाई वगैरह की हो, उसे बोलते हैं भड़कीली अचकन का अर्थ है कुर्ता। भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर तैयार होकर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। समझ में आया कि जब वो दोस्त से मिले तो उन्होंने अपने दोस्त का परिचय दिया, मिलवाया कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, और आज हमारी मुलाकात इनसे कई सालों के बाद हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है, और जो इन्होंने अचकन यानी जो इन्होंने कुर्ता पहना है ना, वो मेरा है। ये भी जमाल नसरुद्दीन साहब ने बता दिया पड़ोसी को। अब तो ये सुनकर फिर जमाल साहब को क्या हुआ आया होगा, गुस्सा आया होगा ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब घड़ों पानी पड़ने मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि मतलब वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए, बहुत उनको शर्म आ रही थी कि लो इन्होंने तो बता दिया कि मैंने इनका कुर्ता पहना हुआ है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, अक्ल मीन्स बुद्धि, क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। बच्चों इस कहानी में आपको ध्यान से सुनना और मित्रों के नाम याद रखना और किसने किससे क्या कहा ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मैं आगे आपको इसी से काम करने के लिए अभ्यास दूंगी ना, तो आप ध्यानपूर्वक करेंगे। और एक चीज़, इस पार्ट में मैंने जिन शब्दों को नीले रंग से अंडरलाइन किया है, लाइन खींची है जिन शब्दों के नीचे नीले, उससे आप इन शब्द, ये कठिन शब्द हैं आपके,
और आज की डेट डालकर, पाठ का नाम डालकर, इन शब्दों में आपका छोटा सा गृह कार्य मैं यही दूंगी, आपका होमवर्क यही है बच्चों, इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने पाठ की तरफ। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी का अर्थ है बच्चों कि बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत खुशी, प्रसन्न मन से, बहुत खुश होकर उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, नाश्ता पानी कराया। खूब अच्छे से आपके घर मेहमान आते हैं, आप खुश होकर उनका स्वागत, वेलकम करते हैं ना, उसी तरह उन्होंने भी खूब खुश होकर उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब आगे जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी, आपको मज़ा आया, अच्छी लगी कहानी? और इसमें भी मैंने जिन शब्दों को नीचे ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है वो कठिन शब्द हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको जो शब्द बेटा कठिन लग रहे हैं उन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये आपके कठिन शब्द हैं उनको करेंगे। तो आइए बच्चों इस कहानी का सार हम समझते हैं। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं, जमाल साहब और नसरुद्दीन। जमाल साहब बहुत दिनों बाद अपने मित्र नसरुद्दीन से मिलने जाते हैं, तो उनके मित्र कहते हैं उनसे कि चलो आज हम मोहल्ले में घूम के आते हैं और अपने पड़ोसियों से भी आपका परिचय करवाता हूँ। तो जमाल साहब कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण सा कुर्ता पहन रखा है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो नसरुद्दीन कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। वो अपनी खूब सुंदर सी कुर्ता आजकल निकाल के लाते हैं और अपने मित्र को देते हुए बोलते हैं, लो आप इसे पहन लो। वो उसे पहन लेते हैं, लेकिन नसरुद्दीन की अक्ल थोड़ी सी कम थी ना, तो वो जहाँ भी जा रहे थे, अब जहाँ भी अपने मित्रों के घर जा रहे थे वहाँ पे वो अपने कुर्ते के बारे में बार बार बातें कर रहे थे, जो कि जमाल साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें गुस्सा आ रहा था। समझ में आया? तो बच्चों इस कहानी का सार यही है कि हमें हमारे पास जो भी चीज़ें होती ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों की चीज़ों को देखकर उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए, ना उनके लिए हमें अपने माता पिता को या किसी को भी परेशान करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है ना वो हमारी बेस्ट होती है, हमारी अच्छी होती है। तो हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर उसका लालच नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उसके पास इतना अच्छा है और हमारे पास भी इतना अच्छा होना चाहिए। तो हमें अपनी चीज़ों में ही संतुष्ट रहना चाहिए और उनसे खुश रहना चाहिए। ठीक है बच्चों?